नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, प्रयागराज में जा अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दुकान में नाश्ता कर रहे युवक को रौंदा, हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मेजा प्रयागराज इलाके कोतवाली क्षेत्र के दौरवा मोड़ रामनगर में अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क के किनारे लगे होल्डिंग को तोड़ते हुए दुकान पर नाश्ता कर रहे युवक को रौंद दिया। एक युवक घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रामनगर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची लखाई पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जरार गांव निवासी तैरिल पुत्र गन ने 32 वर्ष अपने दोस्त रशीद के साथ किसी कार से रामनगर गया था। वहाँ से वापसी में दौड़वा चौराहे पर एक दुकान में नाश्ते करने लगाए। उसी समय मेरा रोड की तरफ से तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दूसरे लगे होल्डिंग को तोड़ते हुए नाश्ता कर रहे तहिर को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत पर मौत हो गई। कहाँ से आ रहे थे? काम करने गए थे, नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे? किससे थे आप? बाइक से थे? बाइक वहाँ खड़ी है, यहाँ से नाश्ता। क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। रशीद अहमद नाम है। घर कहाँ है? घर जरार। जरार है उसकी? जरार। हाँ। कहाँ से आ रहे थे आप सब? यही जब वहाँ वही जहाँ पानी जाते है, नदी चढ़त है। हाँ, वहाँ जाते है, पूरा अंदर है, कोहरा है, वही हम सब काम कर रहे, नाश्ता कर रहे। अच्छा अच्छा।